नवनिर्वाचित माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 20 जुलाई की रात्रि में पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की वाहन चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार किया बरामद, भेजा जेल। देश के राष्ट्रपति पद पर भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने मनाया जीत का जश्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने वनटांगिया गांव में आदिवासी वनवासी एवं वनटांगिया परिवार को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने तेलंगाना के कुख्यात साइबर अपराधी सलावादी नागराजू को गोरखपुर से किया गिरफ्तार। एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, दो मोबाइल फोन किया बरामद। थाना कैंट में करवाया दाखिल। राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस कर रही अग्रिम विधिक कार्यवाही। निपुण भारत मिशन की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक। लक्ष्यों को 100% पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। कहा, ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, रक्तदान से बड़ा नहीं हो सकता कोई दान। बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दो देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में महिलाओं के समस्याओं की जनसुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं की समस्याओं का 100% निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जनगणना कार्य निदेशालय यूपी व गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पार्ट टाइम इनोवेटर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जीवित व मृतक व्यक्ति के डाटा को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर होती रही बारिश। भीषण गर्मी व धूप के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी बारिश की संभावना। और पहली बारिश में नगर निगम के नाला सफाई के दावों का खुला पोल। अधिकतर मोहल्लों में सड़कों पर हुआ जलजमाव। अब खबरें विस्तार से। पिपराइज थाने की पुलिस ने रात्रि में बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 20 जुलाई को ग्राम बेलवार थाना क्षेत्र पिपराइज अंतर्गत अभियुक्त चौथी प्रसाद गुप्ता द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र को अपने वाहन से पारिवारिक रंजिश में जान से मारने की नीयत से वाहन को चढ़ा दिया, जिससे महावीर की मौके पर मृत्यु हो गई व पत्नी घायल हो गई, जिसके संबंध में थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको मुखबिर की सूचना पर विकास भारती तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त रात से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी वरिष्ठ उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक अशोक सिंह, हेड कांस्टेबल हबीब अहमद, कांस्टेबल प्रदीप कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल रात्रि थाना पिपराइज के ग्राम बेलवा में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त चौथी राम ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र के ऊपर कार चढ़ा दी थी, जिसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त चौथी राम आज विशेष प्रयास करके थाना पिपराइज की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मेडिकल कराकर जेल भेजा गया।
देश के राष्ट्रपति पद पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़े की आवाज पर भाजपा नेता जमकर थिरके। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने पर कुसमेही के समीप वनटांगिया गाँव में आदिवासी वनवासी एवं वनटांगिया परिवार में भी जश्न का माहौल दिखा। यहाँ की महिला पुरुषों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत दर्जनों भाजपाई पहुंचे और वनटांगिया लोगों की खुशी में शरीक हुए। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने वनटांगिया गाँव के लोगों को मिठाई खिलाकर मुँह मीठा किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर की खोराबार मंडल में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, छोटेलाल पासवान, दीनदयाल नगर मंडल में राजेश गुप्ता, पुष्पदंत जैन, सिद्धांत घोष, राप्ती नगर मंडल में ओम प्रकाश शर्मा, अजय मणि त्रिपाठी, गोरक्षा नगर मंडल में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आशु, नगर मंडल में महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, मालवीय नगर मंडल में रमेश प्रताप गुप्ता ने ढोल नगाड़े के साथ मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर नवीन पांडे बच्चा, रणविजय सिंह मुन्ना, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, राहुल गिरी, पंकज जायसवाल, उत्तम, सौरभ तिवारी सहित प्रमुख लोगों ने जीत का जश्न मनाया। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना में पंजीकृत मुकदमे में वांछित फरार अभियुक्त सालावदी नागराजू पुत्र रामचंद्रैया गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से दिन में लगभग 2:30 बजे गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। सालावदी नागराजू पुत्र रामचंद्रैया निवासी चेन्ना राम गांव नेला कोंडापल्ली मंडल जिला खम्मम तेलंगाना का एक कुख्यात साइबर अपराधी है, जो एक मामले में साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 138/2022 धारा 417, 419, 420 आईपीसी व 66C, 66D आईटी एक्ट में वांछित फरार अभियुक्त सालावदी नागराजू की गिरफ्तारी हेतु तेलंगाना पुलिस द्वारा एसटीएफ उत्तर प्रदेश से सहयोग मांगा गया, जिस पर लाल प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अभिलाष तिवारी, कांस्टेबल महेंद्र प्रताप सिंह, एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की टीम को ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उपरोक्त जनपद महाराजगंज और गोरखपुर में छिप कर रह रहा है। इसी दौरान सूचना मिली कि 21 जुलाई को अभियुक्त सालावदी नागराजू उपरोक्त रेलवे स्टेशन जनपद गोरखपुर आने वाला है, अगर जल्दी किए जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम गोरखपुर टीम व थाना साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की संयुक्त टीम द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन को बरामद किया। विस्तृत पूछताछ विवेचक द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कैंट जनपद गोरखपुर में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना पुलिस द्वारा की जा रही है। मंडलायुक्त सभागार में निपुण भारत की अभियान की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि अपने प्रदेश को सबसे अच्छा बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना होगा और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। इस दौरान उन्होंने निपुण भारत के कार्यों के प्रस्तुतीकरण को भी देखा। उन्होंने सभी संबंधित
अधिकारियों को निपुण भारत के लक्ष्य को 100% पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के गतिविधियों जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण और नामांकन के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का भी निर्देश देते हुए कक्षाओं में स्मार्ट कक्षा के लिए कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में डायट का विशेष योगदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि RBSK की टीमें नियमित रूप से विद्यालयों में जाकर बच्चों का जांच करें। इस अवसर पर रमेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, अगर हमारे मन में कहीं से भी थोड़ी सी भी चूक है, कहीं से कोई कमी है, तो हमारे निरीक्षक का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो एडवर्स जाता है। तो काम करिए सर, जब वो अपनी डिग्री लेकर के उस फील्ड में ही वर्क कर पाए तो वो एक टीचर आन है। एनी हाउ वो अपना मतलब केवल सर्वाइवल के तौर पे आ रहे हैं। मोटिवेशन था कि हमने PSB की जब BE थी तो वहाँ नहीं लगा, तो बस एनी हाउ यहाँ पे आ गए, तो वो अपना सस्टेन कर रहे हैं। सर दूसरा फैक्टर ये सर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ये जगह उनको कर देना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो कैडर है हम लोगों का ये टीचरों का ट्रांसफर का, तब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बेनिफिट मिलता है तो उनको जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। सर कहीं ना कहीं ये भी जहाँ एकल विद्यालय है, अगर वहाँ दो लेडीज हैं तो सर एक दो साल में वो खाली हो जाता है। तो सर ये भी एक तो इशू आता है बीच बीच में कि टीचरों का अभाव हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी नया खुला है सर, तो हम लोगों को भी टीचर वहाँ मिले नहीं, हम लोग अटैच करके टीचर वहाँ काम कर रहे हैं। ये कहते हैं सर, इसमें तो मेरा तो मन दूसरा बनने लगा सर, कि इस चीज़ का निराकरण करने के लिए सर, हम जैसे टीचर रेगुलर हों और 40% वाले मानदेय जैसे जो टीचर हों जो लोकली हों, तभी हम इसकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे, नहीं तो ये गैप बना रहेगा सर। और ये गैप जो है, चूंकि ये सबके साथ जुड़ा हुआ है सर, ये BSA है, अगर इनको इंटीरियर में जाना है तो ये ट्रांसफर के लिए कोशिश करते हैं, टीचर है इंटीरियर, तो मैं समझता हूँ उस एरिया का जब तक टीचर नहीं होगा सर। सुनौरा बुजुर्ग सर आप देख रहे होंगे कि वो एकदम बंधा के किनारे सर जा करके अंदर है, और सर पहली बार हमारा स्कूल खुला तो ठीक से चला दे तो 1000 से 1500 बच्चे हो जाएंगे। 1000 से 1500 बच्चे होने का मतलब बड़ा क्लियर सा है कि रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और डिमांड हमारी ऐसे ही क्षेत्रों में होगी जहाँ पर कि हमारे स्कूल अभी तक नहीं थे, या जहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा। जहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत बढ़ गया वहाँ के तो लोग अपने आप शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा वहीं हमें जाना है। और वहाँ जब जाना है तो सर कहीं ना कहीं हमको, अगर हम प्रेफर टीचर रखेंगे और स्टेट लेवल से सिलेक्शन करेंगे और इतने हाई मेरिट के लोगों को लेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी सर। हाँ मैंने प्रभाव लिया और वैसे सेवा से मैं सर 12-13 साल से जुड़ा था बेसिक से। सर मुझे लगता है कि मौलिक समस्या सर संसाधन की नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर तथा खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया तथा इस शिविर में RPF के जवान सहित सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने जनमानस से कहा कि ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती और हमारे ब्लड से किसी रोगी की जान बच सकती है, इस दान से कोई बड़ा दान नहीं हो सकता। वहीं CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने के लिए RPF की टीम, खिलाड़ी, यूनियन एसोसिएशन के मेंबर और रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी ब्लड डोनेट किए। उन्होंने नागरिकों से कहा कि जहां पर भी कैंप लगे जरूर ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करना सबसे बड़ा दान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह एवं महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा, मीडिया पर्सन्स, ऑल द रेलर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई डॉक्टर अनिता, दिस वेरी नोबल इवेंट ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप। एज वी ऑल नो, वी आर सेलिब्रेटिंग द आजादी का अमृत महोत्सव टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ ब्लड डोनेशन। इज अ कम्युनिटी सर्विस एंड वॉट कैन बी मोर रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग दैन टू बी एबल टू इम्प्रूव and save lives of fellow human community, to request this August gathering to please come forward and participate in this camp. I'm sure we can help improve and save lives of many people. The manager, sir, for the formal inauguration of the camp and lighting of the lamp. Sir.
हेलो, थैंक यू डॉक्टर अनिता, और हुआ है और उसने बहुत अच्छी बारिश आज की है, तो गॉड इज विद अस। रिस्पेक्टेड जीएम सर, एस डी एम सर, वी आर वेरी ऑब्लाइज टू देम, दे आर वो पूर्वांचल के अद्वितीय ब्लड बैंक है, विभिन्न विभागों से आए हमारे रक्तदाता, यूनियन के सभी पदाधिकारी, मीडिया के सभी सदस्य, आज हम लोग एक पवित्र पुनीत रक्तदान के यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। कल नहीं कोई इबादत पूजा इंसानी फर्ज निभाने को रक्तदान। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि और जिनकी वजह से आज ये आयोजन हो पा रहा है, वो सारे ब्लड डोनर्स, सबसे पहले तो मैं अपने PCMD और हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सफल होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बेड्स लिमिटेड हैं और डोनेशन वालों की मेरे को लगता है कि नंबर ज़्यादा होगी, उसमें हर डोनेशन में टाइम लगता है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने कई फिर से रिपीट करूँगा कि जितनी भी हम लोगों की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, साइंस आगे बढ़ चुकी है, ऑर्गन्स भी अब डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन ब्लड अभी सिंथेटिक ब्लड जो है वो अभी भी बहुत दूर है। इसलिए अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड डोनेशन इज द, जो किसी डोनर से अच्छा ब्लड है वही एक सोल्यूशन है। और हम लोगों का ब्लड जो है, ऐसा नहीं कि ब्लड देने से कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी कुछ दिन बाद उसको रिप्लेनिश कर देती है, और अदरवाइज अगर आप उसको ना भी देंगे, ज़्यादातर तो लोग जानते होंगे, फिर भी जो आप हैं अगले क्षण वो आप नहीं होते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं तो वही सोचता हूँ, वही सब है, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, तो एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम यू आर चेंजिंग। उसी तरह खून के भी सेल्स मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ब्लड डोनेशन एक बहुत नोबल कॉज है, पवित्र काम है और इंसानियत के काम आने वाला काम है, और वो इंसान की आज दूसरे इंसान के काम ना आ सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अधिक से अधिक मात्रा में लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे और इस आयोजन की सफलता की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। Thank you.
आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। ऐसे में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय के तत्वावधान में आज ये ब्लड कैंप आयोजित किया गया है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है ब्लड डोनेट करने वालों की, और RPF के लगभग 100 लोग, 50 से ज़्यादा खिलाड़ी और यूनियन एसोसिएशन के मेंबर्स, रेलवे एम्प्लॉयज, रेलवे ऑफिसर्स, ये सभी ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आज का इस ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ आदरणीय महाप्रबंधक महोदय ने किया। उन्होंने न सिर्फ फीता काट के या लाइट जला के शुभारंभ किया बल्कि ब्लड डोनेट करके शुभारंभ किया। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है। सभी से अपील है कि आप लोग ब्लड दें, जिससे कि अगर कोई हॉस्पिटल में किसी को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको आदमी की जरूरत ना पड़े। इस ब्लड डोनेशन कैंप की जो शुरुआत हुई थी, जब ये हम लोगों ने सोचा था कि एक कैंप लगाना चाहिए, उस समय हॉस्पिटल में किसी की कारणवश ब्लड की आवश्यकता थी हमें, हमारे परिवार को, तो ये हुआ कि किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्लड एडवांस में डोनेट करके रखते हैं, जिससे किसी को रेलवे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने जिस टाइम आवश्यकता हो उस टाइम ना डोनेट करना पड़े। बैंक में ऑलरेडी हम करके रखें, जैसा कि पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो CMD साहब हैं, कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है और ब्लड केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंथेटिक ब्लड अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, कोई रिसर्च इतना आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में सभी से अपील है कि रेगुलर इंटरवल पे ब्लड डोनेट करें, जहाँ भी कैंप में या जैसे भी मौका मिले। ब्लड का दान सबसे बड़ा दान है। धन्यवाद। ये ऐसा है कि हमारी साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन तब भी जो ब्लड है, जो हम लोगों के ब्लड में शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ब्लड, एक जो इसका सिंथेसिस अभी भी साइंस नहीं कर पाई है। तो ब्लड डोनेशन ही एक इसका तरीका है, जिससे कि जिसको ज़रूरत हो उसके तरक ब्लड पहुँचा सके। इसके लिए ब्लड बैंक होते हैं और समय समय पर ब्लड दिया जा सकता है और ब्लड हम लोग की बॉडी में वापस रिप्लेनिश हो जाता है। तो इसी तत्वाधान में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल ने ये आयोजन किया, पूर्वोत्तर रेलवे ने, और इसमें हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उम्मीद है ये जो पावन हम लोगों का, जो हम लोगों ने आज पर्व का आयोजन किया है, सफल होगा। जनमानस से क्या कहेंगे? जनमानस से यही कहेंगे कि खून देने में बिल्कुल भी ना हिचके। खून जो आपका ब्लड है वो बाद में रिप्लेनिश हो जाता है, और अगर आप हेल्दी हैं तो देना चाहिए और रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खून ही आगे किसी रोगी के काम आएगा, किसी की जान बचाएगा, और मानवता के लिए इससे बढ़िया पुण्य कार्य कोई अन्य नहीं हो सकता। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 20 जुलाई की रात्रि में पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की वाहन चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार किया बरामद, भेजा जेल। देश के राष्ट्रपति पद पर भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने मनाया जीत का जश्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने वनटांगिया गांव में आदिवासी वनवासी एवं वनटांगिया परिवार को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। STF गोरखपुर की टीम ने तेलंगाना के कुख्यात साइबर अपराधी सलावादी नागराजू को गोरखपुर से किया गिरफ्तार। एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, दो मोबाइल फोन किया बरामद। थाना कैंट में करवाया दाखिल। राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस कर रही अग्रिम विधिक कार्यवाही।
निपुण भारत मिशन की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक, लक्ष्यों को 100% पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। कहा, ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, रक्तदान से बड़ा नहीं हो सकता कोई दान। बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में महिलाओं के समस्याओं की जनसुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं के समस्याओं का 100% निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जनगणना कार्य निदेशालय यूपी व गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पार्ट टाइम इनोवेटर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जीवित व मृतक व्यक्ति के डाटा को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर होती रही बारिश, भीषण गर्मी व धूप के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी बारिश की संभावना। और पहली बारिश में नगर निगम के नाला सफाई के दावों का खुला पोल, अधिकतर मोहल्लों में सड़कों पर हुआ जलजमाव। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट से यू लाइक इट चीकू?
डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindwear Italian Collection. Stunning colored faucets with long-lasting finish that's noticed by everyone. Hindwear Italian Collection. ISL Institute for Simplified Learning, दिल्ली के well qualified और experienced टीचर्स द्वारा संचालित ISL Institute for Simplified Learning, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर. स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46. दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को हरिहरपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रामा पुत्र पन्नेलाल बेलदार निवासी हरिहरपुर बरई टोला थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा प्रवीण उर्फ गोलू पुत्र चंद्रभान निवासी बड़िया पार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से दो देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल बरामद किया गया है. बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी, कांस्टेबल विजय शंकर गिरी, जितेंद्र कुमार, चंदन खरवार, दीपक यादव, विकास सिंह यादव शामिल रहे. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत विकास भवन के सभागार में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बताया कि पूरे प्रदेश में महीने के प्रथम व तृतीय बुधवार को जाकर महिला की समस्याओं का जनसुनवाई करके समाधान करते हैं और प्रयास रहता है कि सभी समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण किया जा सके, जिसको देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और जानकारी की गई है कि शासन की योजनाओं का कितने लोगों को लाभ मिल रहा है और योजनाएं कहां नहीं पहुंच पा रही हैं, पूरी जानकारी ली गई है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले. उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जिला और ब्लॉक और गांव स्तर तक शासन योजना पहुंचे, जिसके लिए गाँव में भी कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, थाना प्रभारी शशिभूषण राय, महिला थाना प्रभारी प्रभास सहित अन्य लोग मौजूद रहे. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, नमस्कार मैम, मैं SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह. आप सभी को नमस्कार, मैं निर्मला द्विवेदी, राज्य महिला आयोग. महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु आयोग की तरफ से हर महीने के हर प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को हम सब हर जिले में, यूपी के सभी जिलों में आयोग की तरफ से भेजे जाते हैं और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए आप सबके सामने उपस्थित होते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सरकार की सभी योजनाएं जो सरकार द्वारा हर जिले में चलाई जा रही हैं, उनके कार्यों की समीक्षा हो, वो लाभार्थियों तक कितनी पहुँच पा रही हैं और हमारे सुरक्षा के जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग के पास जनता की कितनी शिकायत जा रही है, बढ़ी है, तो हम सबका प्रयास होता है. इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, जनता का विश्वास जीतने में सफल है, लेकिन हम दोबारा सत्ता जनता ने अगर विश्वास दिया है तो आप सबकी जिम्मेदारी आप और हम सब भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हमें पता है कि जनता तक सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचे, जो लाभान्वित हो, अपेक्षा बैठक रखी गई है और महिला जन सुनवाई रखी गई है,
उस वक्त में हम सभी प्रयास करेंगे कि एक बार अपने कार्यों की जनता माता है, हम सब ने धरती का जल ग्रहण किया है, हम सब भी भारत माता तरण है, हम सभी भारत माता के बच्चे हैं और हम सब का यही प्रयास है, चाहे जो जिस कुर्सी पे बैठा हो, जिसके जो बच्चे हैं उनका जो अधिकार है और हमारी जो कर्तव्य है उसे हम जितना उनके लिए ज्यादा से ज्यादा करके उन्हें सुखी करके अपने भारत को पूरे विश्व में सबसे आगे लेकर करके विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सफल हो गए हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझदार हैं। आप देखिए कि कुछ वर्षों पहले हमारे देश की क्या हालत थी और आज हम कितना आगे हैं, कितना सफल हैं। दूसरे देश भी आज हमारे देश के सामने और अपने सभी अधिकारियों को भी कि वो सबने पूरी ईमानदारी से कार्य किया। अभी भी हम कोरोना से बाहर नहीं हैं, इसलिए हम उन नियमों का पालन करके और सारी परिस्थितियों को समझते हुए अपने कार्यों की रक्षा करें, हम सबका यही प्रयास है। इसलिए हम सभी अधिकारी जैसे कि डीपीओ साहब अभी संचालन कर रहे हैं और वो शुरुआत करेंगे, तो हम एक तरफ से शुरू करें और अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करें कि सरकार की कौन सी योजना किस अधिकारी के पास है और उसमें वो कितना कर चुके हैं, कितना जनता को लाभ दिला चुके हैं, इसी की एक समीक्षा बैठक होनी है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि दीपक साहब शुरुआत करिए, आप जिसको भी आपकी तरफ से शुरू किया जाए वो अपना परिचय देते हुए अपने कार्यों को बताए कि उस सरकार की योजनाएं वो कैसे चला रहा है, उसमें वो गोरखपुर किस स्थान पर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 240 वेंटिलेटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 102 वेंटिलेटर है, HFNC जो है 95 हमारी जगह गवर्नमेंट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर में 160 है और बाईपैक जो है 227 जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट में 232 है। इसी प्रकार जो है हमारे पास अगर कोविड PICU की बेड की बात करते हैं तो 88 बेड जो है हमारे पास टोटल है और इसके बाद जो है संचारी रोग आता है। संचारी रोग में आजकल जैसा कि गोरखपुर जनपद जो है तराई इलाके में आता है यहाँ पर संचारी रोग, लेकिन आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उन्होंने इस पीड़ा को बहुत नज़दीक से देखा था और इसके तहत उन्होंने जो है एक संचारी रोग अभियान का प्रारंभ किया जो प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग जो है 3-3 माह पर चलाते हैं और दूसरा संचारी रोग माह हमारा चल रहा है और उसी का परिणाम हुआ है कि जहां पर संचारी रोग में AES और JEE के मरीजों की संख्या 3 अंकों में हुआ करती थी, अब वो सिमट करके 2 अंकों में हो गई है। फिर इसके क्रम में जो है हमारा टाइम की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा जो है गोरखपुर जनपद में इसका प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। मैम अगर हम पंजीकृत महिलाओं के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में गर्भवती माताओं की संख्या करते हैं 92.43% होता है और पंजीकृत महिलाओं के सापेक्ष माह में चिन्हित किए गए उच्च जोखिम वाली महिलाएं जिनको रक्तालुता हम टीकाकरण का आता है वो संख्या हमारी जो होती है 92% के ऊपर है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रदेश में हम लोग जो है इन सब कार्यों में लीड है। अब ये जितने भी हमारे लाभार्थी है जिनका सबका आधार कार्ड से लिंक कराया जा रहा है वर्तमान में, मतलब जो भी लाभार्थी है एक्चुअल लाभार्थी हम चिन्हित, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें हम लोगों ने 18,000 बच्चों को चिन्हित किया है जो अति कुपोषित की श्रेणी में, इन बच्चों को लिस्ट बनाती है, बेचैनी में ले जाती है, उनका टीकाकरण करवाती है। ऐसी गाँव से महिलाओं को आप क्या सुविधा देते हैं उस बारे में चर्चा करनी है। उनकी ज्यादा शिकायत है कि उनके पास तक गाड़ियाँ पहुँचती ही नहीं है और वो किसी भी तरह से बड़ी मुश्किल में अस्पताल तक आती हैं, जहाँ अस्पताल रिकॉर्ड ले जाते हैं वहाँ ऑपरेशन कराते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उनको घूस दे करके और दलाली करके वहाँ तमाम मतलब बहुत ही। हम लोग हर महीने में पूरे UP में महीने के प्रथम बुधवार को और तृतीय बुधवार को हर ज़िले में जाकर के जनता महिलाओं की जन सुनवाई करते हैं और हमारा ये प्रयास होता है कि महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम कर सकें, उसका मौके पर ही निस्तारण कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, महिलाओं को कहीं और जाना ना पड़े और उससे संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उस पर महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है, वो कितनी लाभान्वित हो रही हैं, सरकार की योजनाएं उन तक कितनी पहुंच पा रही हैं और कहां नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके बारे में समीक्षा बैठक करते हैं
गोरखपुर का इन योजनाओं में इन अधिकारियों के माध्यम से हम किस स्थान पे हैं, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं, कहाँ कमी है उसको भरने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सुखी हों, संतुष्ट हों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, बैठी हुई महिला की हम सहायता कर सकें, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। और हमारा प्रयास होता है, अब इस समय हम सबका प्रयास है कि हम हर ब्लॉक तक, हर गांव तक जा कर के क्या कहते हैं, जनता की को सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकें, उन्हें लाभान्वित कर सकें, उन्हें सुखी कर सकें, ताकि एक राम राज्य की स्थापना माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार प्रयास में हैं कि वो कर रहे हैं, तो हम सब भी अपनी तरफ से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करके अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन के सभागार में जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक ए के राय के नेतृत्व में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर मंडल के 4 जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज व बस्ती मंडल से 2 जिले संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के संबंधित पार्ट टाइम इनोवेटर शामिल रहे। इस ट्रेनिंग में जन्म व मृत्यु की घटनाओं को मैनुअल की जगह अब मोबाइल ऐप के जरिए डाटा अपलोड किया जाएगा, जो कि सीधे सर्वर के माध्यम से सीधा मुख्यालय को पहुंच जाएगा और मैनुअली कार्य नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर सहायक निदेशक दिनेश कुमार यादव, संख्या की अधिकारी अनुराग सिंह सहित पार्ट टाइम इनोवेटर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक ए के राय ने कहा, पार्ट टाइम इन्वर्टर के रूप में SRS यूनिट में जो प्रगणक के रूप में काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हम बहुत स्वागत करते हैं और इतनी 60 नोटिस पर आप लोग इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित हुए। जैसा कि आप मोबाइल ऐप के माध्यम से करेंगे, जो सूचनाएं आप हमें डाक के माध्यम से भेजते थे वो मोबाइल ऐप पर आप डेटा अपलोड करेंगे और हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इससे डेटा क्विक मिलेगा, क्वालिटी के साथ मिलेगा और साथ ही साथ इसमें समय भी हमारा बचेगा और हम उतना जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट इसको भारत सरकार को भेजेंगे और वो डेटा बाकी आम पब्लिक के लिए जारी हो पाएगा। तो हम सभी प्रतिभागियों का बहुत स्वागत करते हैं और हमारी टीम में श्री दिनेश यादव जी असिस्टेंट डायरेक्टर और श्री अनुराग सिंह जी प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और ये पूरे दिन ट्रेनिंग देंगे और आपका सारा शंका समाधान करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर कुछ भी आपके मन में इस तरह की शंका समाधान की बात आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, संकोच ना करें, अपनी बात को हमसे जानकारी लें और हमसे पूछें और हमसे जानें और जान करके ही जाएं। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से इन आंकड़ों को संकलित करेंगे और मोबाइल ऐप के माध्यम से इन आंकड़ों को हमें प्रेषित कर पाएंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, हम पूरे यूपी में करते हैं। आज हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं गोरखपुर मंडल के 4 जिले और 2 जिले बस्ती मंडल के, जिसमें संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ट्रेनिंग में हम लोग पहले ये काम जो मैनुअल हुआ करता था, इसमें जो हमारी रजिस्ट्रेशन यूनिट हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन यूनिट जो सिलेक्ट हुई हैं हर जिलों में, उसमें पार्ट टाइम इनोवेटर के रूप में लोग काम करते हैं, जो बर्थ और डेथ की घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी सूचनाओं को हमें भेजते थे। वह सूचनाएँ हमारी पहले मैनुअल भेजी जाती थी, उसका अब सिस्टम हम लोग बदल करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। डेटा ये जो भी कलेक्ट करेंगे उसको अपलोड करेंगे, सीधे इन्फॉर्मेशन हमको सर्वर के माध्यम से हमारी उस पर आ जाएगी और इनको कोई भी डाक से या कोई इस तरह की सूचना अब नहीं भेजनी पड़ेगी। उसी का आज ये प्रशिक्षण हम लोगों ने रखा हुआ है और हमारी टीम जो लखनऊ से आई हुई है उसमें दिनेश यादव जी असिस्टेंट डायरेक्टर और अनुराग सिंह जी जो हमारे साथी हैं, ये लोग प्रशिक्षण देंगे और हम इस ट्रेनिंग को आज शुरू कर रहे हैं और आज हम इसको समाप्त करेंगे। 2011 के बाद की हम 2021 में जनगणना करने जा रहे हैं और भारत सरकार ने अभी कोविड के कारण उस पर थोड़ा सा उसको बैन किया था और जब भी सरकार उस पर निर्णय लेगी तो हम लोग आगे इस पर प्रोसेस करेंगे। जनपद में भीषण गर्मी व धूप के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। आपको बता दें कि बुधवार को रात में बादल
घिराए और बारिश हुई। गुरुवार को सुबह से ही हल्की बारिश होती रही। बारिश होने से नागरिकों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि गुरुवार को रुक रुक कर बारिश होती रही और आसमान में बादल छाए रहे तथा बारिश से किसानों को भी काफी लाभ पहुंचा है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि बुधवार से पूरे तहसीलों में बारिश हुई है। सदर तहसील में 45 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कहीं पर भी किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सभी तहसीलों में अलर्ट कर दिया गया है। कुछ नदियों में भी जल की बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में दामिनी ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें, ताकि 20 किलोमीटर के एरिया में बिजली गिरने की सूचना प्राप्त हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये मानसून की वर्षा है और बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा भी हम सभी कर रहे थे। तो कल पूरे मतलब जनपद गोरखपुर में समस्त तहसीलों में वर्षा हुई है, छिटपुट हुई है, कहीं पे अधिक हुई है। जैसे सदर तहसील क्षेत्र में की बात करें तो 45 मिलीमीटर वर्षा सुबह 8 बजे तक दर्ज की गई है। तो वर्षा अभी ये प्रारंभ हुई है और जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा सूचना है कि अभी आगामी कुछ दिनों तक ये वर्षा बनी रहेगी। अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन तहसीलों में सभी जगहों पे अलर्ट कर दिया गया है और घाघरा नदी भी अपने मतलब जो सरजू है वो थोड़ा अपने वार्निंग लेवल तक पहुंच रही है। तो उस पर भी मतलब जो तहसील खजनी और गोला का क्षेत्र है वहाँ पर भी EOCs को एक्टिवेट कर दिया गया है, बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अभी ये वर्षा काल प्रारंभ है, तो उसके मद्देनज़र जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सभी कार्रवाई कराए जा रहे हैं। सर, इन मौसम में चमक साथ बिजली भी गिरती है, इससे बचाव के लिए लोग होते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि दामिनी ऐप अपने मोबाइल पर ज़रूर डाउनलोड करें इस मौसम में खास तौर से, और जब भी घर से बाहर निकलें और मौसम अगर नाजुक बना हुआ है या कहीं वज्रपात हो रहा है या कुछ इस तरह का अंदाज़ा लग रहा है तो दामिनी ऐप पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर रेडियस में कहाँ पे वज्रपात हो सकता है। तो वो बहुत ही अच्छा एक ऐप है, भारत सरकार द्वारा उसको तैयार कराया गया है। तो वो दामिनी ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें, उसको देखें और उसके बाद ही अगर आप घरों से बाहर निकलें। नगर निगम का पहली बारिश में दावा फेल हुआ। आपको बता दें कि शासन का निर्देश था कि बारिश में किसी मोहल्ले में जल जमाव ना होने पाए, जिसके लिए लगातार नगर निगम नालों की सफाई करा रहा था और दावा कर रहा था कि बरसात में बारिश के पानी से किसी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन गुरुवार को रात से हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। 10 से ज्यादा मोहल्लों में नालियों की सही से सफाई ना होने के कारण जल जमाव हो गया, जिससे आम नागरिक को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 5 सैनिक कुंज गली नंबर 14 के रोड के किनारे नाली के ऊपर मिट्टी गिराकर नाली जाम करने के कारण कॉलोनी में पानी भर गया है।
गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 20 जुलाई की रात्रि में पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की वाहन चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार किया बरामद, भेजा जेल। देश के राष्ट्रपति पद पर भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने मनाया जीत का जश्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने वनटांगिया गांव में आदिवासी वनवासी एवं वनटांगिया परिवार को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने तेलंगाना के कुख्यात साइबर अपराधी सलावादी नागराजू को गोरखपुर से किया गिरफ्तार। एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, दो मोबाइल फोन किया बरामद। थाना कैंट में करवाया दाखिल। राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस कर रही अग्रिम विधिक कार्यवाही। निपुण भारत मिशन की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक। लक्ष्यों को 100% पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। कहा, ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, रक्तदान से बड़ा नहीं हो सकता कोई दान। बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दो देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में महिलाओं के समस्याओं की जनसुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं की समस्याओं का 100% निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जनगणना कार्य निदेशालय यूपी व गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पार्ट टाइम इनोवेटर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जीवित व मृतक व्यक्ति के डाटा को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर होती रही बारिश। भीषण गर्मी व धूप के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी बारिश की संभावना। और पहली बारिश में नगर निगम के नाला सफाई के दावों का खुला पोल। अधिकतर मोहल्लों में सड़कों पर हुआ जल जमाव। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।